हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जरा ये भी बताइए मैम, आप तो लंबे वक्त तक जुड़ी रही हैं, संसद जाती आती रही, आपने जो कुछ वहां पर देखा और जो अब नई बिल्डिंग बनने जा रही है, आपको क्या लग रहा है क्या क्या बदल जाएगा? बिल्डिंग बदल जाएगी, जो पुरानी संसद है गोल संसद से अब त्रिकोणी संसद हो जाएगी। ये तो बिल्डिंग की तब्दीली होगी, मगर उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि जो वैल्यूज है वो ना बदलें, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमने कायम किए इतने बरसों में आजादी के बाद से, वो हमारे कायम रहना चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन हो, मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, और जो बिल और लेजिस्लेशन जो हम पास करते हैं पार्लियामेंट से, वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर असर करते हैं। तो जो भी लेजिस्लेशन हम पास करें, वो लेजिस्लेशन के ऊपर हमें अच्छी तरह से डिस्कशन करना चाहिए, और बिना डिस्कशन के कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं करना चाहिए। ये मेरा पहले भी राय थी और आज भी यही राय है कि बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, बिल्डिंग में जो काम होगा वो उससे डिपेंड करता है कि हम अपनी जनतंत्र को कितना मजबूत कर सकते हैं। अब हमारी जरूरतों के लिहाज से जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उन पे हम कायम रहें। नजमा जी एक बात और बताएं, जैसे भारत की हम जब बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, अपना देश। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में अब सांसदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, और उस लिहाज से वाकई में अब जरूरत थी कि पहले से हम तैयार रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा सांसद बैठ सकें एक जगह? ये बिल्कुल एक जगह संसद बैठ सके, और संसद के जो लोग हैं उनके लिए हमारी पुरानी संसद में कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास ऑफिस की जगह नहीं थी कि वो बैठ के अपने ऑफिस में काम कर सके। मुझे भी जब मैं थी तो मुझे भी ऑफिस की, एज ए डिप्टी चेयरमैन नहीं कह रही हूँ, एज ए एमपी कह रही हूँ, एज ए चेयरमैन कह रही हूँ कमेटी की, चेयरमैन के लॉज से मुझे एक मेकशिफ्ट जगह पे मेरा ऑफिस था। चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन के लिए भी जगह नहीं है, कमेटियों के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि कमेटियां बढ़ गई हैं, अभी पार्लियामेंट्री कमेटियां काफी बढ़ गई हैं, उनके लिए भी जगह नहीं थी। शिवराज पाटिल जी के जमाने में नई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज बनी, स्टैंडिंग कमेटी के लिए जगह नहीं थी। तो ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये सब जगहें हो जाएंगी, तो वो जगहों के ऊपर काम बराबर हो सकेगा, क्योंकि काम बराबर होता नहीं था, मैंने खुद सफर किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नजमा जी जिस तरीके से आप बता रही हैं, तब तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्डिंग और पहले ही बन जानी चाहिए थी, नया संसद। हाँ, बहुत पहले बन जाना चाहिए थी, बहुत पहले बनने की जरूरत थी संसद भवन की बिल्डिंग बनने की, क्योंकि एमपीज को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेंगी काम करने की, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी इफेक्ट करता है। तो चलिए नजमा जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा तस्वीरें भी एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, भूमि पूजन की जो तस्वीरें हैं, और इस वक्त अब जब वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है वो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भूमि पूजन किया, शिलान्यास, और उसके बाद आधारशिला जो रखी गई, उसके बाद का कार्यक्रम ये देखिए, लोकसभा के सभापति भी नजर आ रहे हैं, तमाम जो सांसद हैं इसके अलावा मंत्रीगण हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं डिप्लोमेट्स हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। अदोनाय बिसोना काहे मादता लिहारियोस इस्तारता पाने खाप हाई थी निबाल एलेखा अदोनाय एकराप वेत अदोनाय थन्नान मबेसा बेदमी बेरितेत शाहत। आइए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान नजमा हेपतुल्ला जी लगातार जुड़ी हुई हैं, आप राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। नजमा जी, आज का ये दिन भारतीय संसदीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है, नए संसद भवन के लिए आज का शिलान्यास? आज का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने रखा है,
और प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेसी में और संसद में बहुत उनकी मान्यता है, क्योंकि जब वो पहली बार इलेक्ट होके आए थे तो उन्होंने संसद भवन के पुरानी संसद भवन में जब दाखिल हो रहे थे तो गेट नंबर 1 पे उन्होंने अपना माथा टेक के संसद की गरिमा का बताया था हम लोगों को। तो उनके हाथ से आज ये शिलान्यास हुआ है, तो इसकी अपनी एक अहमियत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात कही थी अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उस दौरान की पुरानी जो संसद की इमारत है, मतलब अभी की मौजूदा इमारत है, उसमें सांसदों के बैठने तक की, उनके दफ्तर तक के लिए बड़ी दिक्कतें थी। कुछ आपको ऐसी चीज याद आती है, कुछ वैसा यादगार लम्हा, कुछ इस तरीके का कुछ कोई घटना हुई हो जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? किस लिहाज से? यही जो दिक्कतें आप लोगों को होती थी वहां पर, सांसदों को दिक्कत होती थी या फिर अलग अलग, आप कह रही हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के लिए दफ्तर तक का अभाव था। मेरे साथ दिक्कत थी, मेरा जो दरवाजे होते हैं पार्लियामेंट के दरवाजे, गेट अंदर के, एक तो सेंट्रल हॉल में जाने का गेट नंबर 1 है, इसी उसके साइड में दरवाजा बंद करके ऑफिस बनाए गए थे। मेरा भी ऑफिस है कैसे ही गेट में था जब मैं चेयरमैन थी कमेटी की, तो हम लोग वो गेट के अंदर बैठते थे, कोई हमारा कमरा नहीं था क्योंकि कमरों की कमी थी। स्टैंडिंग कमेटी के किसी भी ऑफिस के लिए जी बने रहें। जी कुछ कोई तकनीकी दिक्कत आने की वजह से नजमा जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपके सामने ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न करवाया है, और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या क्या बदलने वाला है इस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग से अगर हम तुलना करें नई बिल्डिंग की, जो 2022 तक जिसका निर्माण संपन्न होने की संभावना है? अखिलेश, जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा संसद भवन के मौजूदा शेप में, जो स्वरूप है आज की तारीख में संसद भवन का जो मौजूदा स्वरूप है वो गोलाकार है। लेकिन बदलेगा क्या, अब जो नई संसद भवन बनेगी वो त्रिकोणाकार होगी, त्रिभुज शेप में होगी। वहीं दूसरी चीज, जिस बात का जिक्र नजमा जी कर रही थी, क्यों महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि साल 2026 में, यानी कि अब से करीबन 6 साल बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और जैसे की जो है उम्मीद जताई जा रही है 2029 से पहले वो पूरी हो जाएगी। 2029 की जो संसद होगी वहां पर सांसदों की संख्या भी मौजूदा सांसदों से बढ़ जाएगी, और मौजूदा जो संसद भवन है वहां पर उन सांसदों को नहीं बैठा जा सकता। ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन रहा है जिसकी वजह से ये नए संसद भवन बनाने का फैसला किया गया है। तीसरी चीज, जिस बात का जिक्र नजमा जी कर रही थी, क्योंकि सालों तक यहां पर रही है, तो नजमा जी ने जिस बात का जिक्र किया कि सांसदों के पास जो ऑफिस हैं वो उनकी एक बड़ी मांग थी कि हमने जो ऑफिस जो हमको दिए गए अपने घरों में बना रखे हैं, इधर उधर बना रखे हैं, कायदे तो होना ही चाहिए कि नए संसद भवन में ही हमको वो जगह मिलनी चाहिए जिससे कि हम अपने काम को कर सकें, तो उसको भी कंसीडर किया गया है। एक और चीज जो तकनीकी दिक्कत आती है यहाँ पर संसद भवन में, पुराने संसद भवन में जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, वाटर पाइप लाइन है, सैनिटेशन लाइन है, वो 1921 में जब बनाया गया था उसको ध्यान में रखते हुए, मौजूदा जो सालों को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद करीबन 100 साल का वक्त गुजर गया है, चीजें बदल गई हैं, जरूरतें बदल गई हैं, लिहाजा वो सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया कि नया संसद भवन तैयार किया जाएगा। लेकिन अखिलेश, यहाँ पर हमको ये चीज रखनी होगी कि ये जो संसद भवन जिसका, अंकित जरा एक बात और बताइए, चूंकि आप कोर्ट भी कवर करते हैं, जरा ये भी बताइए, आज शिलान्यास तो हो रहा है लेकिन कुछ अभी कानूनी अड़चन है निर्माण कार्य शुरू होने में? निश्चित तौर पर कानूनी अड़चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं स्टे नहीं लगाया था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सुनवाई के दौरान पॉजिटिव जो है वाइफी थी, या ये कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था वो जो पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि फैसला सुरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने रखा है तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगा। चलिए अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटू, उससे पहले एक बार जरा फिर से आप नजमा हेपतुल्ला जी का रुख करेंगे। नजमा हेपतुल्ला जी राज्यसभा की खुद उपसभापति भी रही हैं, उनका लंबा अनुभव रहा है संसद का, और ये बताइए नजमा जी, जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी जब संपर्क टूट गया था, आप जिस तरह से जानकारी दे रही हैं कि आप लोगों को वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी, दफ्तरों का अभाव था,
तब तो ये बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है और पहले बन जानी चाहिए थी, मतलब इस दिशा में फिर तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है वक्त रहते। हाँ, बहुत बड़ा कदम उठाया प्रधानमंत्री ने, मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत ही हिस्टोरिकल डे है, आज बहुत ही हिस्टोरिकल दिन है कि ये इस तारीखी दिन में प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा। और मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी को कितना मानते हैं, संसद को कितना मानते हैं, संसद की उनके दिमाग में, उनके मन में कितनी वैल्यू है, क्योंकि आज तक किसी ने संसद के दरवाजे पर, उसकी जीने पे माथा नहीं टेका। प्रधानमंत्री ने जब पहली बार आए तो अपना माथा टेका, तो वो कितनी वैल्यू समझते हैं। आज उनके हाथ से इसका शिलान्यास हुआ है, ये एक बहुत बड़ा तारीखी दिन है जो लिखा जाएगा पत्थर के ऊपर। बिल्कुल, तब तो जो पुरानी सरकारें रही नजमा जी, जो पुरानी सरकारें रही उन्हें पहले ये कदम उठा लेना चाहिए था। मतलब ये तो एक तरीके से सिर्फ हम अभी फिलहाल यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए और ठीक से आए। हाँ, जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, पुरानी मैम एक चीज और बताइए, जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, किस तरह की यादगार चीजें रही जुड़ी हुई पुराने संसद भवन से आपकी, कुछ यादगार अनुभव? मेरी तो 36 साल की यादगार है, क्योंकि मैं 36 इयर्स एमपी रही, तो वो अपनी जगह है, उनको बोलूंगी तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा। जो डिप्टी चेयरमैन के तौर पे 17 साल मैंने काम किया, उसकी यादगारें भी बहुत अहम है, क्योंकि बड़े बहुत से लोग आए, बहुत से वाइस प्रेसिडेंट आए, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कई प्राइम मिनिस्टर बदले, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। कोई लंबे अरसे तक रहे, पूरे 5 साल कुछ से कम अरसे तक रहे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है इस सिलसिले में। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही थी, जो उस बिल्डिंग से मेरी याद जुड़ी हुई है, वो है 12 दिसंबर को जब टेररिस्ट आए थे, और वो टेररिस्ट ने हमला किया था, और अगर वो कामयाब हो जाते जी, तो हमारा वो संसद भवन भी बर्बाद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। नजमा जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं बीच में आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, जरा सुनते हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा का जो आयोजन हुआ है, लिए चलते हैं दर्शकों को वहाँ पर। जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनि भरा, रत्नत्रयाराध का पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन जो हुआ है वहां पर आप सुन रहे हैं, अलग अलग धर्म से जुड़े जो धर्म गुरु हैं, जो स्कॉलर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, वहां भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन जरा नजमा हेपतुल्ला जी को सुनना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, करीब 3.5 दशक का लंबा उनका अनुभव रहा है, संसद से जुड़ी रही है, सांसद रही है। नजमा जी, अब बात एक ये है कि हम नई संसद की इमारत में तो चले जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो संसदीय मूल्य हैं उनमें पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में जो गिरावट हमने देखी, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक विमर्श है इस देश का, वो और बढ़िया हो, समृद्ध हो? बिल्कुल जरूरत है। जो गिरावट आई है पार्लियामेंट में, वो गिरावट को दूर करना है, और हो सकता है कि नई बिल्डिंग देख के लोग अब सोचें कि हम नई जगह जा रहे हैं, तो अपने एक नई यादगारें कायम करें, एक नई प्रथा कायम करें जो हमारे जनतंत्र को मजबूत करे। और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व में ये काम मुमकिन होगा,
क्योंकि वो कितना जनतंत्र को मानते हैं उसके बारे में हम लोगों को सबको पता है। जो मैं जिक्र कर रही थी टेररिज्म का, कि हमें टेररिज्म का खतरा था, जो किसी को पता भी नहीं था कि ये टेररिस्ट आएंगे। अगर मान लीजिए कि वो कामयाब हो जाते, मेरे कमरे से तो वो 30 फीट की दूरी से थे और 30 किलो RDX लेकर आए थे। आप सोचिए कि कितना सख्त खतरा था कि अगर वो कामयाब हो जाते अपने काम में तो आज हमारा पुराना संसद भवन तो पहले से ही गिर गया होता। तो ये हमें, हमारे सामने जो मुश्किलें हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उससे हमें किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से हम उनका मुकाबला करेंगे। क्यों आज भी टेररिज्म का खतरा तो है देश के ऊपर, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और नजमा जी, जिस तरफ आपका इशारा है मैं समझ भी रहा हूँ, दरअसल इस नई बिल्डिंग में तमाम हाईटेक सुविधाएं होंगी, यानी कि सुरक्षा के भी बहुत खास इंतजाम होंगे पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले में, और वक्त बदलने के साथ साथ अब इसकी दरकार भी थी, इसकी जरूरत भी थी। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नजमा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अंकित का रुख कर लेते हैं, जहां पर यह भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहीं अंकित मौजूद हैं। अंकित, अभी और क्या कार्यक्रम रहने वाला है आगे? अखिलेश, फिलहाल यहाँ पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, सर्वधर्म जो प्रार्थना सभा है वो चल रही है, मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है और ये जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में अब से करीबन जो है 15 से 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। एक तरफ जो प्रधानमंत्री मेन मंच पर है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उसके अलावा निर्मला सीतारमन, ये वो सारे, रविशंकर प्रसाद, ये सारे वो कैबिनेट मंत्री हैं जो मंच के ठीक सामने मौजूद हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र नजमा जी कर रही थी, अखिलेश, हमको यहाँ पर ये भी जो है दर्शकों को बताना होगा कि जो नई संसद बन रही है ये सिर्फ एक जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है। नई संसद भवन अगले 2 साल में बनके तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो 2024 तक का उसका जो लक्ष्य रखा गया है उसको बनाकर के तैयार किया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका संसद भवन एक हिस्सा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन के जो है नॉर्थ में और साउथ में, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी साउथ ब्लॉक में, तो वो सारा जो है जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में अभी जितने भी कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, उन सबको एक नए सिरे से शिफ्ट किया जाएगा। कहां शिफ्ट किया जाएगा? राष्ट्रपति भवन से जो राजपथ का पूरा रास्ता है इंडिया गेट तक, दोनों तरफ लॉन है, जो पार्क है, जो लॉन है, वहां पर पूरा नया कंस्ट्रक्शन होगा और सारे मंत्रालय वहां पर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री का आवास जो अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पर है, जो चर्चा है उसके मुताबिक, जो प्लान उसके मुताबिक, वो भी साउथ ब्लॉक में जहां उनका दफ्तर होगा उसके पीछे प्रधानमंत्री का आवास बनाया जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति का आवास जो कि मौलाना आजाद रोड पर है, विज्ञान भवन के पास में, उसको भी शिफ्ट करके नॉर्थ ब्लॉक के पास में लाया जाएगा। इस तरीके की कार्य योजना है। खासियत क्या होगी? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, संसद भवन जिसका जो है, संसद भवन परिसर जिसका हिस्सा है, जिसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, सारे जितने भी ये डिपार्टमेंट होंगे, मंत्रालय होंगे, ये सब अंडरग्राउंड जो है कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये एक बड़ा जो है चर्चा का विषय था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि अगर इस तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि रोजाना हजारों कर्मचारी आते हैं काम पर और ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी कि अंडरग्राउंड सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन जिसका आज जो शुरुआत हुई, जिसका शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है और निश्चित तौर पर भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम आज ये हमको यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ऐसे में नजमा हेपतुल्ला जी, तो सवाल तो ये भी है कि ऐसा लग रहा है कि जो लुटियन जोन जिसे हम लोग कहते रहे उसकी पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। आप लोग तो बहुत मिस करेंगे जिन्होंने लंबे वक्त तक इस बिल्डिंग में अपना जीवन बिताया, एक तरीके से 36 सालों तक आप सांसद रहे। हाँ, बदल तो जाएगा, मगर हर दौर में तब्दीली तो आती है, तब्दीली की जरूरत है, चेंज तो करना ही पड़ता है। जी, और आप ये भी कह रही हैं कि बदलाव बहुत आवश्यक था, वाकई में जरूरत थी कि थोड़ी और जगह मिले सांसदों को, तमाम मंत्रियों को, अलग अलग कार्यालयों के लिए। मुझे लगता है कि अब MP का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा और बढ़ जाएगा। तो अब नई इमारत में जो तमाम MP जाने वाले हैं, उन्हें कुछ आप सलाह, कुछ नसीहत देना चाहेंगी नजमा जी? मैं सलाह यही दूंगी कि हमारा जनतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को जितना हो मजबूत करें,
क्योंकि इसी में देश की भलाई है। जिस तरह का अलग अलग हमारे देश में अलग अलग जबान बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनमें एकता लाने का एक ही तरीका है, वो है हमारी जनतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी। हर एक को मौका देती है कि वो अपनी बात कह सके, अपने अपने जो भी उसके मन में है उसको वो बोल सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो, सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने जनतंत्र को मजबूत रखें। बिल्डिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जरूरतें होती हैं, उसके लिए जरूरत होती है, तो नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि संसदों को और अच्छे सुविधाएं मिले ताकि वो ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब संसदों को जगह मिलेगी, उनको ऑफिस मिलेंगे, उनको स्टाफ मिलेगा, और वो अपना कंट्रीब्यूशन जनतंत्र को मजबूत करने के लिए लगाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, मजबूत हो, स्तर हो, जी, और एकता और हमारी एकता और अखंडता को कायम रखें। बिल्कुल, उसे अक्षुण रखें, ये बहुत जरूरी है। अंकित, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, कोई जानकारी कुछ वहां मिल पा रही है आपको? अखिलेश, मैं जो है नजमा जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी मौजूदा संसद भवन है, इसका सेंट्रल हॉल की बहुत महत्ता है। जो संसद भवन है वहाँ पर सेंट्रल हॉल को लेकर के नहीं, वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की बात हो रही है, तो सेंट्रल हॉल को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारी यादें होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक कानून खुद संविधान सभा की जो है यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। तो नजमा जी, हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि इतना लंबा अनुभव रहा है कि बहुत सारी यादें सेंट्रल हॉल से जुड़ी हुई हमारे साथ में शेयर कर सकती हैं, अगर नजमा जी को कुछ याद आ रहा हो कि सेंट्रल हॉल की क्या महत्ता रही है जब वो लोग पहली बार यहाँ पर आई थी और उसके बाद में जब यहाँ वक्त गुजारा है। तो जी नजमा जी, आपकी आवाज बराबर आ नहीं रही है क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस हो रही है, दूसरे लोग गाना गा रहे हैं। मैं सवाल कम कर दें। सेंट्रल हॉल की बात हो रही है नजमा जी, अंकित हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे ये कह रहे थे कि आप तो लंबे वक्त तक सांसद रही हैं, सेंट्रल हॉल से कुछ जुड़ी अगर यादें आपकी हो, क्योंकि उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, देश की आजादी से लेकर अब तक का कई सभाएं वहां पर हुई। सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस संविधान पे हमारी डेमोक्रेसी चलती है वहाँ पर हमारा संविधान पास किया गया, और उसके अलावा हमारे जो जिन नेताओं ने हमें आजादी दिलाई उन नेताओं ने बैठ के वहाँ डिस्कशन किए जो आज हमारे काम आ रहे हैं, हमें संसद हमारे संविधान में हमने जरूरत के मुताबिक तब्दीली करी है, अमेंडमेंट लाए हैं, मगर जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल है, बेसिक हमारे जो संविधान की धाराएं हैं वो कायम है, बेसिक डेमोक्रेसी संविधान का उस दिल्ली नहीं आई। ये सबसे पहले तो ये एक बात है, दूसरे अलग अलग दुनिया के नेताओं ने आके सेंट्रल हॉल में एड्रेस किया है और हमारी सेंट्रल हॉल की अहमियत को समझा है। मैंने भी अपने 36 साल में देखा है कि कितने बाहर के लीडर्स आए, इंग्लैंड के जो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम अडॉप्ट किया है, वो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के से जो बैटी बूथ थी उन्होंने भी सेंट्रल हॉल में हम लोगों को एड्रेस किया था। तो सेंट्रल हॉल की अपनी ये अहमियत बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि क्योंकि वो संसद भवन रहेगा उसको एक म्यूजियम के तौर पे बना देना चाहिए ताकि जो लोग आए तो वो उसको देख सकें, और उनका कोई रिकॉर्ड जो सेंट्रल हॉल का है उसको कायम करके कहीं लिख के लगाना चाहिए ताकि लोग वहाँ आ सकें। मैंने भी सेंट्रल हॉल में प्रिसाइड किया है, मुझे भी मालूम है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ था उसमें मैंने एक बिल था वो पास नहीं हो रहा था, तो जो जॉइंट सेशन में पास हुआ तो मैंने भी प्रिसाइड करा है सेंट्रल हॉल में, तो मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं सेंट्रल हॉल से। इसके अलावा वहाँ बैठ के लोग गप्पे मारते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, वहाँ एमपीज आते हैं, और बहुत ही इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में चाय और पकौड़ों के साथ बातें होती हैं, गॉसिप होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है
जो वहां पर कायम थी, जो वो भी एक यादें हैं एक तरह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।